हेलो गाइस, तो मैं यहाँ आपके पास हूँ। जीरो म्यूजिक फेस्ट के बारे में कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहला सजेशन तो ये है कि जब आप नहर लगुन स्टेशन पहुँचे तो वहाँ से जीरो के लिए जो कैब है वो एडवांस बुकिंग करें, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगा। सिमिलरली जब आप वापस रिटर्न जा रहे होंगे, आप जीरो से एयरपोर्ट जा रहे होंगे या नहर लगुन स्टेशन जा रहे होंगे, तो कैब जरूर बुक करें। सेकेंड सजेशन में मेरा है विंटर वेयर जरूर कैरी करें। और हिली एरिया है तो थोड़ा इधर उधर सामान करने में दिक्कत होता है, इसलिए लगेज जो है एकदम लाइट रखें। जीरो वैली म्यूजिक फेस्ट जो है आप दो तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, या तो आप पैकेज लें जिसमें विलेज टूर, फिशिंग और भी बहुत कुछ एडिड रहते हैं, अदरवाइज आप हमारी तरह बाइक हायर करें और फिर अपने तरीके से घूमें। और कहाँ कहाँ घूमना ये पहले से लिस्ट बना लें, एडवांस बुकिंग मतलब एडवांस सर्च कर लें, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है तो आपको दिक्कत हो सकता है। और थर्ड डे जो होता है ना, थर्ड डे वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है जो कि डे में होता है, तो वो आप मिस ना करें क्योंकि उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। वो आप एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम में। और एक सजेशन ये है कि जो लोग चार के चार दिन अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप लास्ट के दो दिन अटेंड करें, जो कि बहुत मजा आता है, आप बिल्कुल इंजॉय करोगे वो। हाँ, किसी का YouTube वीडियो में मैंने देखा था कि आप वहाँ जा करके टिकट के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप, बहुत दिक्कत होगा वरना, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड नहीं करा था, उसे डबल पड़ा था हमसे, तो इसलिए जब भी उसका टिकट रिलीज हो एडवांस में चार दिन का बुकिंग करो। दो दिन जा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन दो दिन का बुकिंग करो जैसा भी करो, बट वहाँ जाके तो बुकिंग मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे टिकट जो होते हैं उनके प्राइस हाई लेवल पे होते हैं, वो बढ़ते हैं, डबल होते हैं, वो कम नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप नॉन अल्कोहलिक हो तो थोड़ा सा बोरिंग है, अदरवाइज तो बहुत मजा है। अगर आप म्यूजिक को ही सिर्फ फील करना चाहते हो, उस फेस्ट को एंजॉय करना चाहते हो, तो बहुत मजा है। तो बस इतनी सजेशन है मेरे पास वहां जाने के लिए, तो गो एंड एंजॉय।